देश आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है, पर आज तक कोई भी सरकार हमें एक अदना सा पुल तक मुहैया नहीं करवा सकी है। यह कहना है विजयपुर गांव के लोगों का। गोलापार का ग्राम विजयपुर देबला मल्ला गोलापार विकासखंड हल्द्वानी का एक राजस्व गांव है, जिस गांव में 95 परिवार और तकरीबन 500 की आबादी रहती है। गाँव के मुख्य लोग का पेशा कृषि और दुग्ध विक्रय है। यहाँ के समस्त ग्रामवासी अपनी आजीविका खेती और पशुपालन के माध्यम से ही चलाते हैं, पर इस गांव के लोगों की एक मांग सूखी नदी पर पुल बनाए जाने की लंबे समय से रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी जो मांगे हैं सूखी नदी पर पुल और जो हमारी 2 किलोमीटर की रोड है, वो हमारी मांगे जो है आज से 75 साल पहले से हमारी मांगे चली आ रही हैं। हमारा जो गांव है वो राजस्व गांव है, 1927 की चौकी बनी हुई है, और हमारी जो मांगे हैं सरकार से, हमारी यही मांग है कि हमारी एक महीने के भीतर ये सूखी नदी पर पुल और पक्की सड़क 2 किलोमीटर वो पूरी की जाए। और हर कोई आता है, बस प्रधान आए, हर कोई आते हैं, बस यही कह के जाते हैं कि बन जाएगा, पर अभी तक बना नहीं। कितने सालों से दिक्कत है? सर 7 साल 8 साल हमारी शादी हो गए हैं, हमने यही दिक्कत देखी है, और जो बुजुर्ग आते रह जाते हैं वो भी यही दिक्कत देखते हैं। देख रहे हैं कि समस्त ग्रामवासी जो विजयपुर ग्राम से हैं, वहाँ पे सूखी नदी में कोई भी किसी तरीके का पुल नहीं है, रोड नहीं है, जिसके कारण गाँव वालों को पानी से पार करके जाना पड़ता है। इसके संबंध में इन लोगों ने ये ज्ञापन यहाँ पर दिया है। पूर्व में इस गाँव में जिस समय मेरीलाल कुआं में तैनाती थी, मैंने भी इस गाँव को देखा है। ये समस्या इनकी है क्योंकि जब नदी में अधिक पानी आता है तो पार जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया को संबोधित है, जिसमें मैंने मैम की तरफ से ज्ञापन लिया है, और मैं उनसे इनकी समस्याओं से अवगत करा दूँ।